में पड़ गए तो आखिर में आपको पछताना ही पड़ेगा, आपको आंसू बहाने पड़ेंगे कि काश हम भी इनकी तरह, दूसरे की तरह हम भी पढ़े लिखे होते, मेहनत की होती तो आज इस जगह नहीं होते। अपना एक ध्येय बना लें, पढ़ना है, मेहनत करना है, अपना शत प्रतिशत जो है वो पढ़ाई पे लगाना है। देखिए विशेषकर हम 10th और 12th के बच्चों की बात करेंगे, बोर्ड की स्कीम आ चुकी है, आपका डिक्लेयर हो गया है किस डेट को आपका कौन सा पेपर होगा। अब आप उस टाइम का इंतजार ना करें, आप आज से अभी से मान लें कि हमारा कल पेपर है। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपका कल पेपर है ये मान के चलें, कल आ जाए तो आप मान के चलिए परसों पेपर है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू करें। समय निकलते देर नहीं लगता है, देखते देखते आपका 23-24 तारीख फरवरी 23-24 फरवरी से एग्जाम होता है। जो भी है वो आपका समय बहुत जल्दी आ जाएगा। नंबर वन आपका पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। दूसरा बच्चों आपको समाज में रहना है। समाज में सामाजिक अनुशासन भी बहुत जरूरी है। आपसे बोलने का ढंग, आपसे बात करने का ढंग, आपको दूसरे को प्रभावित करने का ढंग, ये सब चीजें आपको स्कूल से ही सीखनी होती है। स्कूल से आपको केवल विद्या अर्जित करने के लिए स्कूल नहीं आते, प्राइम पहला उद्देश्य जरूर है, लेकिन आपको अच्छे इंसान बनाने के लिए भी, अच्छे इंसान के लिए आपको प्रेरित करने के लिए भी स्कूल एक जगह है। आप अपने को हर तरह से आप अपने को जो काबिल बनाए, पढ़ाई में भी जितने भी कहीं आप बैठे हुए, कहीं आप पहुंच जाए तो वहां पे आपकी उपस्थिति दर्द हो। अगर आप में काबिलियत है, आप किसी शादी फंक्शन में जाते हैं, अपने परिवार के फंक्शन में जाते हैं, वहां आपकी उपस्थिति दर्द हो, एक पता चले भाई ये लड़का, हाँ ये लड़का आया है शादी में है। उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपने क्वालिटी होनी चाहिए, अपने गुण होने चाहिए। अब एक ही गुण नहीं, इसलिए सामाजिक रूप से आप जितना अपने को समाज में ढालेंगे उतने आपको जो है वो आगे जाके आपको उन्नति के पथ पर आप बच्चों। मैं आपसे गुफ्तगू में थोड़ी सी देर हुई, बीच में मेरी व्यस्तता कुछ ज्यादा थी, इसलिए आपसे रूबरू नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं आप सभी अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई में और हर ढंग से इस विद्यालय का अपना नाम रोशन करें, साथ ही साथ इस विद्यालय का